हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई थिंक बढ़िया ही होंगे फ्रेंड्स। आज हम सोप बोट बनाने वाले हैं, मतलब यहाँ पे हम सोप का फ्यूल की तरह यूज़ करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इसके लिए हमें एक नॉर्मली पेपर चाहिए और एक पेन, जिससे हम इसमें कुछ इस तरीके से मार्क कर लेंगे। आपको शायद ये बोट के तरीके से दिख भी रहा होगा, और फिर हम इसे कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमें इसे 4-5 कुछ इसी शेप में कट करना है, तक क्योंकि ये है कागज़ और ये पानी में चलेगा तो भींग ही जाएगा, इसलिए हमें 4-5 कट कर लेना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके बाद हम एक लिक्विड सोप लेंगे। यहाँ पे मैंने डेटॉल का यूज़ किया है, आप कोई दूसरा भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम एक थाली लेंगे और उसमें हम थोड़ा पानी डाल देंगे। गाइस, यहाँ पे मैं थाली का यूज कर रहा हूँ, आप कोई दूसरी चीज भी यूज कर सकते हैं। चलिए अभी हम इसमें थोड़ा सा सोप ले लेते हैं, हमें लगभग इतनी ही सोप की जरूरत है। गाइज, इसके बाद हम एक पतली सी लकड़ी लेंगे। यहाँ पे मैं एक सीख की लकड़ी यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई दूसरी चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इतनी पतली होनी चाहिए। और फिर हम इसमें कुछ इस तरीके से सोप को लगा लेंगे। चलिए अब हम अपनी नाव को तैराते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे इसे रखा तो नाव भागने लगी। वैसे भी इसमें होता ये है कि साबुन पानी के ऊपर फैलने लगती है और नाव आगे भागने लगती है। चलिए अभी हम इसे दूसरा ट्राई करते हैं यहाँ पे। गाइस, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।